नमस्कार, इंटरनेट न्यूज में आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित प्रधान नीटू गुप्ता पत्नी गोपाल जी गुप्ता बोले गांव का विकास ही लक्ष्य है। बलिया बेलरी ब्लॉक की ग्राम सभा पियरोटा से नवनिर्वाचित प्रधान नीटू गुप्ता पत्नी गोपाल जी गुप्ता हुए। आपको बता दें कि बहुमत से नवनिर्वाचित प्रधान नीटू गुप्ता पत्नी गोपाल जी गुप्ता की जीत हुई है और पियरोटा गांव में जीत हासिल हुई है। नवनिर्वाचित प्रधान नीटू गुप्ता पत्नी गोपाल जी गुप्ता ने बताया कि पियरोटा की एक अलग पहचान होगी। गांव के जनता ने जिस विश्वास पर आशीर्वाद प्रदान किया है उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। नीटू गुप्ता पत्नी गोपाल जी गुप्ता नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि गांव का विकास ही मेरा मुख्य लक्ष्य है, इसके लिए हर संभव कोशिश रहेगी। ईमानदारी के साथ सरकारी योजनाओं को पात्र तक पहुँचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। नीतू गुप्ता पति गोपाल जी गुप्ता, ग्राम पोस्ट पियरोटा जी। किस ब्लॉक में आता है आपका गांव? बलहरी ब्लॉक। कितने ऑटो चार्जित हुई आपके? 68 ऑटो सर। कितने प्रत्याशी आपके यहाँ खड़े थे? 10 प्रत्याशियों में से गांव की जनता ने आपको भरपूर स्नेह प्यार दिया, तो जानना चाहते हैं किस तरह कार्य करेंगे गांव के लिए? पूरी तरह विकास करेंगे और जनता का सुख सुविधा उसके घर तक पहुँचाएंगे। जो भी सरकारी योजना होगी धरातल तक पहुँचेगा, हर इंसान तक पहुँचेगा, हर जनता तक पहुँचेगा जी। अब जानना चाहते हैं क्या कोई दिमाग में मोटो है गांव में हम इस तरह कार्य करेंगे, विकास कार्य करेंगे? इस तरह विकास करेंगे, जिसको जो सुविधा आएगा उसको घर तक पहुँचेगा। नहीं, वो तो ठीक है, कोई दिमाग में आपको मोटो है? जैसे हमने यहाँ नाली नहीं बना, नाली बनवाएंगे, वहाँ सड़क बनवाएंगे, नाली बनेगा, सड़क बनेगा, सीसी होगी, सीसी बनेगा, सीमेंटेड ईटा होगा, सीमेंटेड ईटा बिछवाएंगे, पानी टंकी लगवाएंगे, आर ओ लगवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। अच्छा, अभी कोरोना चल रहा है, इस बात क्या पहल चल रही है? साफ सफाई चल रही है, सैनिटाइज का छिड़काव चल रहा है जी। आपके गांव में अभी कोई कोरोना से किसी की डेट हुई है? नहीं, कोई किसी की नहीं हुई है जी। कोई आपके गांव में बिना राशन कार्ड का कोई भुखमरी शिकार है? कुछ लोग है, उनको तब राशन कार्ड बनेगा जी। आपके द्वारा कुछ पहल की जा रही है उनके लिए, सहयोग के लिए? हम सहयोग कर रहे हैं, करेंगे, पहल कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। अभी आपके द्वारा क्या कोई दिमाग में है जिसे कोई भुखमरी से कोई मर गया या मरने वाला हो तो आपका दायित्व बनता है तो उच्च अधिकारियों को आप इसकी सूचना दे? हाँ, बनता है जी, हम तक अगर हमको जानकारी होगी तो पूरी सुविधा देंगे। आपके गांव करेंगे, आपके गांव की आबादी कितने को टोटल? 5,000 करीब, 5,000 करीब, 5,000 जी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? अपने आपके चैनल के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ, पूरी हमारी जितनी भी ग्राम सभा की जनता है, जो भी सुख सुविधा उन तक आएगा, उनका नाम से आएगा या नहीं आएगा, हम अब जाकर के घर घर पहुँचाएंगे। जो जिस लायक होगा वो सब चीज उसको मिलेगा जी। ये कहने का तात्पर्य है तो जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ आपको जनता चुनी है उन पर खरा उतरेंगे? खरा उतरेंगे।